गया है। इतना ही बच्चा है अभी, धार दे रहे। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। अभी बज चुके हैं 5 और यहाँ पे बहुत ही टेस्टी लाजवाब कुछ बनाने वाली हूँ, तो देखते रहे मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरा ऑयल आ गया है और यहाँ पे है बहुत ही सारी मिर्ची, आलू और लहसुन की पेस्ट। तो सबसे पहले तो मैं एक पेस्ट डाल देती हूँ, देख सकते हैं इतनी पेस्ट बचा के रखूँगी मैं। थोड़ी सी भी डाल दूंगी मैं, देखो बहुत ही बढ़िया कलर आ रहा है। वैसे दिखाई नहीं देता बट क्या करूं मैं। थोड़ा अच्छे से हम एक मिनट तक होने देंगे। और ये मेरे पास है ग्रीन ऑनियन, तो मैं उसको भी अभी डाल दूंगी। अच्छे से थोड़ा सा सॉल्ट डाल के हम उसको अच्छे से पकने देंगे, ताकि जो ऑनियन है बहुत ही हल्दी गल जाए, टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा इसका। भाई मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। मैं बनाने वाली हूँ तुवेर की ग्रीन कचौड़ी। तो इनके लिए मैंने आटा लिया है गेहूँ का, आप मैदा भी यूज़ कर सकते बट हम मैदा कम खाते नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने गेहूं का आटा लिया है। और एक चम्मच मैंने, एक कप आटे में एक चम्मच ही सूजी डाली और नमक डाल लिया है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे तेल का मोन डालूंगी, बहुत ही कम डालूंगी। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करना है और खाती हूँ। यहाँ पे अनियन को भी हम थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे ताकि जल्दी से ये पक जाए। और आटा हम उसको गूंद लेंगे, बहुत स्मूथ आटा गूंदना है। तो फ्रेंड यहाँ पे मेरा आटा गूंद दिया है, रेस्ट करने के लिए रख दिया है। और अभी ये जो हमारा ऑनियन है वो भी पक गया है, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया। और अभी ये मेरे पास है तुए, जो उसको मैंने क्रश कर लिया है मिक्सी में, तो ये मैं डालूंगी। आपको कितना बनाना है, कितने लोगों के लिए, उस क्वांटिटी के हिसाब से आप सब कुछ डाल सकते हैं। तो हम उसको अच्छे से भी मिक्स करेंगे। और उसको भी थोड़ा एक दो मिनट तक हम नींबू डाल सॉरी नमक डाल के अच्छे से थोड़ा उसकी जो स्मेल ना आए तब तक के लिए उसको होने देंगे, सोते हुए इसको। देखो
थोड़ी देर उसको हम ऐसे ही होने देते हैं। तब तक के लिए मेरे पास है खजूर आमले की चटनी, मैं उसको ब्लेंड कर लेती हूँ, मैंने उबाला था तो अभी मैं इसको ब्लेंड करके सारे मसाले डाल देती हूँ। तो देखो 2-3 मिनट हो गए और अच्छे से उसकी स्मेल भी चली गई। तो मैंने थोड़ा यहाँ पे शुगर डाला और ये नींबू डाल दी क्योंकि खट्टा मीठा टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा इसीलिए। नींबू आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और यहाँ पे साथ साथ में थोड़ा सा धनिया भी डाल दूंगी, हरे धनिया। और अभी इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी, गैस ऑफ कर दूंगी। ये देखो हमारा बेटर हो गया है ग्रीन मस्त। तो इसको मैं थोड़ी देर अभी ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, इसके बाद हम उसकी कचौड़ी बनाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे मेरे आटा भी बहुत ही बढ़िया से हो गया है स्मूथ और मसाला भी मेरा थोड़ा ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मसाला मैं ऐसे डाल दूंगी चम्मच इतना। और यहाँ पे मैं इसको ऐसे आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे करके बहुत ही पतली सी कचौरी बनेगी हमारी। ये देखो बन गई है हमारी कचौरी। तो हम ऐसे ही सब कचौरी बना लेंगे। बन गई हमारी कचौरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो मेरी कचौरी बन भी रही है। ये देखो ऐसे सब मैंने बनाई है, देख सकते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ी सी चढ़ चुकी है, इसको मैं अभी निकालूंगी और ये सब इसमें अभी अच्छे से डाल दूंगी। 3-3 कचौड़ी जाएगी क्योंकि कड़ाई भी छोटी है। और यहाँ पे मैंने एक कचौड़ी टेस्ट भी की है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया टेस्टी लगी है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलती रहूँगी आपके साथ ये नई यूनिक रेसिपी के साथ और डेली व्लॉग लेके आती रहूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। तो चलो बाय बाय टाटा, तब तक के लिए तो मैं खा लेती हूँ फटाफट से सारी कचौरी। तो यहाँ पे देखो जनाब भी आ गए हैं यहाँ पे और दिलीप टेस्ट करके बताएगी सच में कैसा बना है। ये हम चटनी से अरे हम अच्छा चटनी ना ना हम मुकी संत इधर हमारे माटे डिश तैयार करी थी पण तुम हम गरम से हां ये अजी काई डिश छे ना आ बड़ी गरम छे ये अजी हमारा काई डिश दादा ने करे ने आई हम ले जाऊं हां ले जाऊं टेस्ट करी बताओ मने। अच्छा हाँ ये सब को बताओ खाना है क्या? झूठ नहीं बोलती हूँ, सच में अच्छी बनी है ऐसा। देखो कैसे खा रहे हैं। मैं यहाँ पे 4 बजे से मेहनत कर रही हूँ जी है देवी। अच्छा दे तो अच्छा है हाँ। तो चलो अभी दिलीप तो बैठ रहे खाने के लिए तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ।